సంగారెడ్డి జిల్లా జహీరాబాద్ పార్లమెంట్ నియోజకవర్గం కేంద్రంలో కేంద్ర మంత్రి పురుషోత్తం రూపాల నియోజకవర్గ కేంద్రంలో పర్యటించారు. ముందుగా జహీరాబాద్ పట్టణ కేంద్రంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం చేస్తున్న సంక్షేమ పాలనపై వివరించారు. అనంతరం పట్టణంలో మహిళా విభాగం అధ్యక్షురాల స్వగృహంలో ఏర్పాటు చేసిన మన్ కీ బాత్ కార్యక్రమంలో మంత్రి పాల్గొని ఆయన స్వయంగా మన్ కీ బాత్ వీక్షించారు. అనంతరం జహీరాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ లో ఆకస్మిక తనిఖీలు నిర్వహించారు. అక్కడ రైల్వే అధికారులు ఘన స్వాగతం పలికారు. స్టేషన్ లో ప్రజల పట్ల అక్కడ ఉన్న సమస్యలను తెలుసుకున్నారు. పట్టణంలో ఏర్పాటు చేసిన బీజేపీ నాయకులు కార్యకర్తలతో పాటు చేసిన సమావేశంలో పాల్గొని వివిధ అంశాలపై సుదీర్ఘంగా చర్చించారు. समय के साथ स्थानीय स्मृति और जन कथाओं को हमेशा याद किया जाता है. आगे के लोगों ने अपने इस प्राकृतिक धरोहर को फिर से सजाने में एक लोगों के समग्र प्रयास से नई नदी फिर से जीवन को मिलेगी. नदी के उद्गम स्थल को हम शहर के तौर भी विकसित किया जा रहा है. साथियों इलेक्ट्रॉनिक प्रेस मीडिया के, प्रिंट मीडिया के, सोशल मीडिया के सभी साथियों का जहीराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में, जहीराबाद शहर में आपका स्वागत है. आप सबको मेरा नमस्कार, सभी को मेरा राम राम. आज यहाँ हमारे जिला के अध्यक्ष नरेंद्र वेदगारू जी, हमारे अरुणाताई जिला के कांग्रेस जिला के अध्यक्ष हैं, हमारे नेपाल भाई हमारे इंचार्ज हैं, यहाँ हमारे विधायक पूर्व विधायक महोदय और जिला के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार को 9 साल पूरे हो रहे हैं. इसके बारे में मैं कुछ बिंदु आपके सामने रखना चाहता हूं. ऐसे प्रधानमंत्री जी की सिद्धियों के बारे में वर्णन करने के लिए बहुत ज्यादा वक्त चाहिए. मैं आपको प्रधानमंत्री जी की कार्यशैली के बारे में आज बताना चाहता हूं. 9 साल नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को नेतृत्व देने के साथ साथ कैसे सरकार को काम करने का प्रयास किया है. भारत सरकार को पिछली सरकारों से मौलिक रास्ते से इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कैसे प्रयास किए, मैं एक उदाहरण से शुरू करूंगा. राज्य विकसित करने के बाद हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने सबसे पहले हमारे लोकतंत्र की पहली इकाई वो पंचायत, ग्राम पंचायत, हमारा पहला एकम ग्राम था, वो ग्राम पंचायत को टारगेट करके पूरे देश के सरपंचों को फाइनेंस कमीशन की मदद से सीधी राशि उनके अकाउंट में देने का निर्णय किया. मैं मानता हूं आजादी के बाद
लोकतंत्र को और ग्रामीण क्षेत्र को ताकत और अधिकार देने का पहला प्रयास आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हुआ। सरपंच लोग जो थे, प्रधान लोग जो थे, उनको गांव में बहुत ही अपनी समस्याएं थी और छोटी सी बात के लिए भी वो लोग एमएलए, एमपी, कलेक्टर, डीडीओ इनके इर्द गिर्द घूमते रहते थे, मगर इनकी सुनवाई नहीं होती थी। आज मैं बड़े विनम्रता से बता सकता हूं कि पूरे ग्राम पंचायत में, भारत देश के 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में, भारत माता की तिजोरी से बिना किसी की मदद से सीधे डीबीटी के माध्यम से पंचायतों के अकाउंट में पैसे चले जाते हैं। 2.5 लाख करोड़ रुपए की राशि पंचायतों के अकाउंट में पहुंच चुकी है। आज कन्याकुमारी से कश्मीर तक, हमारे कच्छ से लेकर कामरूप तक, किसी भी प्रदेश में आप जाए, वहां पंचायत के सरपंच को आप खड़ा करके पूछ सकते हैं कि आपकी पंचायत में भारत सरकार से कितनी राशि आई, तो वो अचूक रूप से बता सकते हैं कितनी राशि उनको मिली है। और राशि दी इतना ही नहीं, वो धनराशि खर्च करने का अधिकार भी इनको दिया। आप सबको बताते हुए बड़ी खुशी मुझे हो रही है।